हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम लोग फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स का पार्ट 4 देखेंगे। आज हम इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में काम आता है, फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग, वो समझेंगे। ये जो फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग वाला जो टॉपिक है, ये JIB के साथ साथ CIB में भी यूजफुल है, और ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है कि इट इज ए कंटिन्यूइंग एग्रीमेंट बिटवीन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको बोलते हैं फैक्टर, और एक बिजनेस कंसर्न एक्सपोर्टर एंड सेलर। वहां पर फैक्टर परचेज द क्लाइंट्स बुक डेट्स आइदर विद और विदाउट रिकोर्स टू द क्लाइंट। इसको हम लोग एक ग्राफिकल डायग्राम से समझ लेते हैं कि सपोज करो कि एक बायर है, एक सेलर है, हम लोग उसको एक्सपोर्टर भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, या नॉर्मल केस भी हो सकता है फैक्टरिंग। तो जो फैक्टरिंग है वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी एप्लीकेबल है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रहे हैं, वो वाली बात, जब इंटरनेशनल ट्रेड है, या नॉर्मल जो डोमेस्टिक ट्रेड है उस केस में भी फाइनेंसिंग का एक मेथड हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड में भी एप्लीकेबल है। इसमें क्या होगा, जो सेलर है या एक्सपोर्टर है, और एक पार्टी होगी फैक्टर जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और एक होगा बायर या इंपोर्टर। तो इसमें थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होगी, और क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है कि जो सेलर या जो एक्सपोर्टर है उसके और फैक्टर के बीच में कंटिन्यूअस एग्रीमेंट रहता है कि जो भी सेलर के जो भी सेलर की जो बुक डेप्ट्स होगी उनको क्या करेगा, फैक्टर परचेज कर लेगा। क्लाइंट कौन है, यहाँ पर फैक्टर का क्लाइंट है सेलर, और वो उनको परचेज कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा कि इसके बदले में जब वो उनको परचेज करेगा तो उसको वो क्या अवेलेबल कराएगा, जो एडवांस अवेलेबल करवाएगा, क्या अवेलेबल कराएगा, एडवांस अवेलेबल कराएगा, और वो रिकवरी करेगा किससे, ये इसको क्या करेगा, इसकी जो है ये बुक डेप्ट्स परचेज कर लेगा और ये इसको एडवांस दे देगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो रिकवर जो ये डेप्ट्स है वो रिकवर किससे करेगा, बायर से करेगा उसके बदले में। तो बेसिकली क्या है, ये जो सेलर है उसकी बुक डेप्ट्स को परचेज कर लेगा, और उसके बाद उसके बदले में एडवांस देके जो जो काम है वो फॉलो अप करना है, जो डेप्ट जो ये जो बायर से पेमेंट लेना है वो फैक्टर लेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि जो फैक्टरिंग है वो विद और विदाउट रिकोर्स टू द क्लाइंट होती है। क्लाइंट का मतलब जो एक्सपोर्टर है, मान लो कि इसने सेलर को एडवांस दे दिया और बायर से अब इसको पेमेंट आना है, पर बायर ने पेमेंट नहीं दिया। तो अगर विद रिकोर्स है, विद रिकोर्स का मतलब ये सेलर के पास रिकवरी के लिए जा सकता है, सेलर को सेलर से मांग सकता है कि भाई आपका पेमेंट उन्होंने बायर ने तो दिया नहीं है तो आप दो। और विदाउट रिकोर्स का मतलब ये सेलर के पास नहीं जा सकता, इसको कोई लीगल मेथड यूज करना पड़ेगा, पर ऐसे नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या होगा, ये जो फैक्टरिंग वाली जो चीज है इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर विदाउट रिकोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है, और विद रिकोर्स कर रहे हैं तो रिस्क कम है। इंडिया में ये जो फैक्टरिंग का कंसेप्ट है वो 90s में अलाउ हुआ था, एक कल्याण सुंदरम कमिटी का रिकमेंडेशन आया था, उसी के बाद ये अलाउ हुआ था। तो ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कल्याण सुंदरम कमिटी। अब जो फैक्टर है उसके काम क्या क्या होते हैं, इन कामों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है कि जो क्योंकि यह जो होता है, जैसे मान लो कोई भी एक्सपोर्टर है XYZ कंपनी, उसने क्या कर रखा है कि भाई यार हमारे जो अकाउंट्स है बुक डेप्ट्स वो उसने किसी बैंक को बेच रखे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसके जो डेप्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करेगा,
जो फैक्टर करेगा, मतलब जो क्लाइंट जो जो बैंक है वो क्या करेगा, उसके सेल्स लीडर को मैनेज करेगा उसकी। तो इससे क्या होगी कि भी जो जो ये काम है जो एक्सपोर्टर है उसको फायदा क्या होगा कि जो उसकी कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी किसकी, कि जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी बुक अकाउंट्स मैनेज करने की, इनवॉइसिंग की, क्रेडिट को कंट्रोल करना, डेप्ट कलेक्शन की, ये सारी कॉस्ट क्या है कौन भी यह करेगा, फैक्टर जो है वो करेगा। तो इस मतलब फैक्टर का काम केवल फाइनेंस करना ही नहीं, एक काम तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंसिंग करता है, और कितनी परसेंट फाइनेंसिंग करता है, ये एडवांस कितना देता है, 75% to 85%, जो भी मतलब आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स है उनका 75% to 80% देता है। और उसके अलावा और भी काम करता है ये फैक्टर, डेब्ट का एडमिनिस्ट्रेशन तो हम समझ रहे। क्रेडिट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक होता है, उसके पास क्या होता है कि उसके पास बायर्स के डाटा होते हैं कि डिफरेंट टाइप के बायर्स के जो है वो डाटा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से यही काम कर रहा है, ओवर द टाइम उसके पास एक डाटाबेस भी है, तो वो बता सकता है कि कौन सा बायर क्रेडिट वर्थीनेस है नहीं है, बैंक ज्यादा असेस कर सकता है। उसी केस में वो इस फैक्टरिंग जो अरेंजमेंट है उसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा, तो क्रेडिट की प्रोटेक्शन हो जाएगी अगर आप फैक्टर के थ्रू जा रहे हो तो, क्योंकि फैक्टर उसी पे जाएगा, उसी केसेज में आपसे साथ अरेंजमेंट में आएगा जहां पर बायर थोड़ा क्रेडिट वर्दी हो, जिस मतलब क्रेडिट रिस्क कम से कम हो, उसी केसेज में जाएगा। तो ये इसके फैक्टरिंग के कंसेप्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में क्या है कि फाइनेंसिंग इसेंशियल एक्टिविटी है अगर फैक्टरिंग है, पर और कंट्रीज में ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनेंस के पर्पज से ही फैक्टरिंग की जाए, ये डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी की जाती है और क्रेडिट प्रोटेक्शन के, मतलब आपके अकाउंट है आपने बोल दिया कि कोई फैक्टर मैनेज कर रहा है, आपके अकाउंट है वो कोई फैक्टर मैनेज कर रहा है, वो उनसे ले रहा है, ये इस तरीके से, जरूरी नहीं कि वो आपको एडवांस। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए इसमें कंसेप्ट वाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। अब इसमें जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिंपल हम यहाँ से समझ लेते हैं कि अब क्या होता है कि कई बार जो फैक्टरिंग है उसमें तीन पार्टी होती है, ये हम लोग इसको डाल सकते हैं कि एक्सपोर्टर, सेलर, फैक्टर, और ये हो गया इंपोर्टर। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि एक्सपोर्टर जो भी फैक्टर है जो कि वो उसकी कंट्री में होगा उसको अप्रोच कर रहा है, फैक्टर को अप्रोच कर रहा है एक्सपोर्टर, कि कैसे अप्रोच कर रहा है कि भाई मेरे पास ये बिजनेस है, मेरे ये डेप्टर है और मेरे पास ये ऑर्डर्स हैं, और इन सबको मैं क्या कराना चाहता हूँ, फैक्टर कराना चाहता हूँ। उसके बाद जो ये फैक्टर है, ये बंदा फैक्टर कराना चाहता हूँ, आप टर्मिनोलॉजी समझिए, और ये जो फैक्टर है वो क्या करता है कि इसके जो काउंटर पार्ट में, मान लो कि ये फैक्टर इंडिया में है, तो ये अपना वहां पर एक बैंक को कॉन्टेक्ट करेगा जो भी काउंटर पार्ट में, कि उसको एक इम्पोर्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं, ये एक्सपोर्ट कंट्री में तो इसको एक्सपोर्ट फैक्टर बोल सकते हैं, और एक वो इम्पोर्टर की कंट्री में कोई काउंटर पार्ट को कॉन्टेक्ट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा कि जो इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि भाई मैं कितनी चीज का कितने डेप्ट का मैं फैक्टर करूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा, चार्जेज वगैरह भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। और इसके बाद क्या होगा, जो ये फैक्टर है वो क्लाइंट के साथ क्या करेगा, एग्रीमेंट साइन करेगा, उसमें क्या होगा कि भाई क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, टर्म्स ऑफ सर्विस रहेगी, और लिमिट क्या रहेगी बायर पे, हर बायर के हिसाब से भी वो डिसाइड कर सकते हैं, इस बायर के मैं इतना डेप्ट परचेज करूंगा। अब जो क्लाइंट है जो भी इनवॉइस रेज करेगा बायर पे, वो उसकी दो कॉपी सबमिट करता है किसको, फैक्टर को, और उसके बाद उसको क्या होता है कि जो भी 75% to 85% वाला जो जो एडवांस है वो मिल जाएगा इसको, बाद ये क्या होगा कि एग्रीमेंट साइन हो गया तो एडवांस मिल जाएगा इसको। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो एक्सपोर्ट फैक्टर है वो क्या करेगा, एक कॉपी ऑफ इनवॉइस क्या करेगा यहाँ पर भेज देगा, फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यू इनवॉइस भेज देगा। तो इम्पोर्ट जो फैक्टर है, इम्पोर्ट फैक्टर क्या करेगा, डेप्ट कलेक्ट करेगा, और जो भी एक्सपोर्ट जो भी प्रोसीड्स आएंगे वो इसको मिल जाएंगे वापस। ये चाहे तो जो एक्सपोर्ट फैक्टर है, चाहे तो इंपोर्टर को भी, जो यहाँ पर भी एक बैंक होना जरूरी है।
इंपोर्ट की कंट्री में, एक उसको इंपोर्ट फैक्टर बोलेंगे, और ये उसको उसको इनवॉइस दे देगा, ये इससे कलेक्ट करेगा और ये इसके पास आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि जो भी आउटस्टैंडिंग डेप्ट है, बाकी कॉस्ट वगैरह को हटा दो, वो बैलेंस अमाउंट क्या होगी वापस, जैसे मान लो 75% 25% एडवांस दिया था, 80% जो भी एडवांस है, तो बाकी जब इसको वापस आएगा तो ये 20% भी उसको दे देगा। आप 20% का हो सकता है कि जो भी उसके चार्जेज है वो ले लेगा, जो भी चार्जेज है वो ले लेगा, तो हो सकता है कि 90% 80% जितना भी परसेंट देना है बाकी का वो उसको दे देगा। तो 80% एडवांस दे दिया, बाकी जो है वो बाद में दे दिया, जब यहाँ से ड्यू एक्सपोर्ट कलेक्शन वो कलेक्शन हुआ, यहाँ पर भी जो 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 भी इसके पास ड्यू जाए तो उसके बाद। अब इसमें इसके जो टाइप्स हैं एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम के, उसमें टाइप में जैसे अभी आप लोगों को यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर से थोड़ा सा पता लगेगा टाइपिंग का सिस्टम, मतलब कि कितने टाइप का एक्सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं। एक्सपोर्टर सेलर, ये हो गया फैक्टर, और ये बायर इंपोर्टर। अब ये जो मैंने आपको पहले समझाया था, एक तो हमें ये समझना है कि जो ये फैक्टर सिस्टम है, जरूरी नहीं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले बिजनेस में यूज हो, नॉर्मल भी यूज होगा तो क्या होगा, एक सेलर होगा, एक फैक्टर होगा, एक बायर होगा, तो तीन एंटिटी इन्वॉल्व रहेगी। पर कई जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस होता है तो उस केस में क्या होता है कि ये जो ये फैक्टर है एक्सपोर्ट की कंट्री में, तो इस फैक्टर को मतलब वहां पर इंपोर्टर की कंट्री में, मतलब फैक्टर का मतलब बैंक, इंपोर्टर की कंट्री में भी कोई ना कोई बैंक से तो कनेक्शन होना ही चाहिए, ताकि हम लोग ये लोग पेमेंट वगैरह ले सके, दे सके, इनवॉइसेज वगैरह वहां भेज सके। तो वहां पर तो इसमें क्या होता है, एक मैकेनिक इसी हिसाब से फैक्टर सिस्टम की टाइप बन जाते हैं। एक हो गया सिंगल फैक्टर सिंपल सिस्टम, उसका मतलब क्या हो गया कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर ने एक कॉमन फैक्टर निकाला। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सिटी बैंक निकाला, तो उस सिटी बैंक की ब्रांच हो सकता है कि इम्पोर्टर की कंट्री में भी होगी, एक्सपोर्टर की कंट्री में भी होगी, तो उससे क्या होगा कि प्रोसेस भी कम हो जाएगी, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब तो एक्सपोर्ट की कंट्री में जो होगा उसको एक्सपोर्ट बैंक, मान लो सिटी बैंक बड़ौदा यहाँ पर है, और एक यहाँ सिटी बैंक यूएसए, तो ये क्या हो गया एक्सपोर्ट फैक्टर बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं इंपोर्ट फैक्टर। पर एक ही बैंक है, एक ही बैंक की दो ब्रांच है, मतलब कॉमन फैक्टर है, तो उसको क्या बोलेंगे सिंगल फैक्टर सिस्टम। टू फैक्टर सिस्टम में क्या होगा कि यहां पर जो सिटी बैंक हो सकता है, और यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है एसबीआई बैंक हो सकता है, या कोई एचएसबीसी बैंक हो सकता है, दूसरा बैंक हो सकता है। तो उसमें क्या होगा दो फैक्टर है, एक्सपोर्ट कंट्री में अलग फैक्टर और इंपोर्ट कंट्री में अलग फैक्टर, जब दोनों डिसाइड करते हैं कि अलग अलग एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के। एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है कि एक ही एक्सपोर्टर की कंट्री में ही एक केवल फैक्टर है, और वो ही सारा सब कुछ काम करता है बिना हेल्प के लिए। एक हो सकता है कि इंपोर्टर की कंट्री में ही फैक्टर हो, मतलब कि यहां पर कुछ नहीं हो, यहां पर ही फैक्टर हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे उसको डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग बोलेंगे। अब जो फैक्टरिंग है उसके एडवांटेज क्या हो जाता है कि भाई 75% से 85% का इसमें एडवांस मिल जाता है। इसमें क्या होगा कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, उस इंटरनेशनल ट्रेड है, तो विदाउट एलसीबी क्या होगा कि कॉस्ट सेव हो जाएगी, एलसी की जरूरत नहीं है। तीसरी जो है कि भाई जो बायर्स है इंपोर्टर्स है, क्योंकि उसका काम है जो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जिसको हम फैक्टर बोलना चाहिए हमें, वो तभी जाएगा जब इंपोर्टर या बायर का उसका क्रेडिट चेक रहेगा, कंट्रोल रहेगा, उसको पता रहेगा कि कौन क्रेडिट वर्दी है। ऐसे ही जो सेलर है उसकी, जो एक्सपोर्टर है उसकी जो लेजर है सेल्स लेजर, उसका आराम से मेंटेनेंस बैंक करेगा, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है इन चीजों में। क्रेडिट प्रोटेक्शन मिलेगा ऑब्वियसली, एडवाइजरी सर्विस ऑन फॉर न्यू एरियाज कंट्री, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक्सपोर्टर को बिल्कुल गाइड कर सकता है कि भैया तुम इस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली चार्जेज लेगा पर एडवाइज कर सकता है। तो ये सारे एडवांटेज हो गए किसके, फैक्टरिंग सिस्टम के। ठीक है, अब इसी में एक और कंसेप्ट आता है फॉरफेटिंग। इसमें क्या होता है कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट तो चीज कंसेप्ट ये है कि केवल ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए।
ऐसा नहीं है कि ये जो ये फाइनेंस एक्सपोर्ट फाइनेंस की एक मैकेनिज्म है ये भी, पर ये केवल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है, जबकि जो हमारे पास जो फैक्टरिंग थी फैक्टर था वो एक हम लोगों ने जैसे देखा था कि एक डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी फाइनेंस की एक मैकेनिज्म हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल है उनकी उनको क्या करता है, जो फोरफेटर है यहाँ पर जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे, फोरफेटर बोलेंगे, वो क्या करता है उनको डिस्काउंटिंग करके परचेज कर लेता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे फैक्टरिंग में तो क्या होता है विदाउट विद और विदाउट रिकोर्स था, यहाँ पर केवल विदाउट रिकोर्स है, मतलब एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी गई, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने उसका क्या किया उसके जो रिसीवेबल है उनको परचेज कर लिया, किसने, फॉरफेटर ने। और मतलब इसमें क्या हो गया, अब एक्सपोर्टर रिस्क फ्री हो गया, एक्सपोर्टर क्या हो गया, रिस्क फ्री हो गया, उसको कोई रिस्क नहीं है कि भाई अब उसके पास पेमेंट आएगा नहीं आएगा ये सारी चीज, तो क्योंकि ये ऑलवेज विदाउट रिकोर्स होता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फॉर ए मीडियम टर्म ये किया जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड रेट बेसिस पे होता है कि भाई आपका जो साल भर की फीस है उसके हिसाब से रेट होता है, साल भर के आपको लेना है उस हिसाब से इतना रेट लगेगा जो भी फीस है वो। और इसमें क्या होता है कि जो एडवांस इसमें जो फाइनेंसिंग होती है पूरी 100% होती है, क्या होती है 100%, ये जो मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ इसी में सब में क्वेश्चन आता है। अब इसमें जो फाइनेंसर होता है जो फॉरफेटिंग होती है उसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो जो फाइनेंसर है वो फाइनेंस करता है, वो पहले असेस करता है क्या इम्पोर्टर की स्टैंडिंग क्या है, वो किस कंट्री में काम कर रहा है, उसकी रिस्क क्या है, और अगर उसको लगेगा जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, इम्पोर्टर से बैंक गारंटी मंगाएगा, इम्पोर्टर से क्या मंगाएगा, बैंक गारंटी मंगाएगा या लेटर ऑफ क्रेडिट मंगाएगा। तो ये मतलब उसके क्या हो गया कि भाई ये फॉरफेटिंग है उसमें वो क्या कर सकता है कि एलसी की भी जरूरत पड़ सकती है या बैंक गारंटी की जरूरत भी पड़ेगी, जो कि फैक्टरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो क्यों कर रहा है फाइनेंसर ये सब काम, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है फाइनेंसर के पास, क्योंकि वो रिस्क विदाउट रिकोर्स उसको करना है। तो ये और इसमें सबसे इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मीडियम टर्म के लिए किया जाता है, जनरली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाता। तो मीडियम टर्म्स की जो फाइनेंसिंग होती है उसमें क्या है कि भाई जो जो एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है उनके लिए किया जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है, पर इसमें मीडियम टर्म्स के लिए जरूरी नहीं है। ये कमोडिटीज कंज्यूमर गुड्स वेयर एक्सपोर्टर्स आर नॉर्मली मेड फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ से अप टू 12 मंथ्स के लिए भी फाइनेंस किए जा सकते हैं इस रूट के जरिए, ठीक है। इसमें जो फॉरफेटिंग होता है इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें वो क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या होती है, फाइव पार्टीज होती है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। एक होगा एक्सपोर्टर, एक होगा इंपोर्टर, एक होगा फॉरफेटर। अब उसके बाद एक होगा एक एक्सपोर्टर का बैंक और एक होगा इंपोर्टर का बैंक, इंपोर्टर और उसका बैंक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फाइव पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, फाइव पार्टी इन्वॉल्व रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि जब भी जो एक्सपोर्टर से प्रपोजल आता है, ये बैंक का काम हो गया कि उसके साथ जो भी एक्सपोर्टर के लिए क्या करता है बैंक, उसको सारी एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा और इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के लिए हेल्प करेगा। पर जो फोरफेटर है वो जब क्या होता है एक्सपोर्टर के पास से कोई प्रपोजल आया तो फोरफेटर क्या करेगा, असर्टेन करेगा, क्या असर्टेन करेगा कि भाई जिस कंट्री में करना है वो कंट्री रिस्क और इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस, उसमें क्या उसके अलावा वो इंपोर्टर से क्या मांग सकता है, बैंक गारंटी भी मांग सकता है, ठीक है। अब जो चार्जेज लगेंगे वो भी जो डिस्काउंट चार्जेज जो भी लगेंगे वो भी किस पे डिपेंड करेंगे, वो भी किस पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा क्वालिटी ऑफ क्रेडिट है जो ये दे रहे हैं, कंट्री रिस्क क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो एग्री हो गए तो फॉरफेटर और एक्सपोर्टर के बीच में क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है,
उनके बीच में क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। और जब ये अब ये जो हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स वो कर देता है, और जो बिल रेज करता है उनको कौन कर लेता है, फॉरफेटर डिस्काउंटेड कर देता है। फॉरफेटर क्या करता है, डिस्काउंट कर देता है। अब ये जो फॉरफेटिंग है वो इज डन अगेंस्ट द बिल ऑफ, अब इसमें क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट में के अगेंस्ट ही कई की जाती है। इसमें मतलब क्या हुआ कि जो ये इसने फॉरफेटर ने डिस्काउंट किया, उसके बाद जो बिल एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, वो एक तरीके से डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो गए, और उनको आप लोग सेकेंडरी मार्केट में भी फॉरफेटर सेल कर सकता है, वो सब उनकी सेकेंडरी मार्केट में भी यूज किया जा सकता है। और पर ये जो फॉरफेटर है, वो जो फॉरफेटिंग है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड, ड्यूली एक्सेप्टेड होना चाहिए बाय इंपोर्टर, और गारंटीड, वो क्या होना चाहिए, उसके मेन से गारंटीड होने चाहिए। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अवेलिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर बैंक अवेल करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसके बैंक से गारंटी करवा के, और जो इंपोर्टर वाले जो बैंक है उससे गारंटी करवा के, और उससे इंपोर्टर ने एक्सेप्ट करके, उसके बाद आपने बिल ऑफ एक्सचेंज अगर फॉरफेटिंग की तो उसको बोलते हैं अवेलिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है। इंडिया में जो आरबीआई है उसने एक्जिम बैंक को ये परमिट किया है। तो एक्जिम इंडिया में जो इंडिया का फॉरफेटर है वो कौन है, एक्जिम बैंक। वो किस, और इंडिया में किसके लिए अलाउड ऑफ हाइडिंग मीडियम टर्म एक्सपोर्ट बिल्स के लिए वो यूज करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता। अब इसमें क्या होता है कि जो ये जो है ना रिस्क, जो पॉलिटिकल कॉमर्शियल रिस्क, कंट्री रिस्क, ये सब रिस्क है एक्सपोर्ट रिसीवेबल से ऑफ, ये रिस्क किसकी, ऑफ जो एक्सपोर्टर है उनको हटा देगा। एक्सपोर्टर के लिए फायदा होगा कि नहीं, ये एडवांटेज एक्सपोर्टर्स के लिए है, उसको 100% फाइनेंस मिल जाएगा। जो भी फीस लगेगी वो अलग चीज है, जो भी फीस लगेगी वो अलग चीज है, पर 100% फाइनेंस मिल सकता है। जबकि जो फैक्टरिंग है उसमें केवल 70% से 80% एडवांस मिलेगा, ठीक है, विदाउट, ये जो है फैसिलिटी वो क्या है, विदाउट रिकॉर्ड्स है। क्या है, विदाउट रिकॉर्ड्स, तो ये समझ लीजिए कि आप ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोअप तो कुछ करना ही नहीं है, उससे भी फायदा मिल ही जाएगा। अब जो दोनों के बीच में डिफरेंसेज है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो फैक्ट, जो नंबर ऑफ पार्टीज की बात है, तो फैक्टरिंग में कितनी पार्टी होती है, थ्री पार्टीज होती है। नॉर्मल जो फैक्टरिंग होती है उसमें थ्री पार्टीज होती है, और वो हो सकता है कि एक, जब डबल फैक्टरिंग सिस्टम तो चार पार्टी हो सकती है, जब डबल, जब जब मतलब ड्यूअल फैक्टरिंग सिस्टम, टू फैक्टर सिस्टम या डबल फैक्टर सिस्टम है, जब वहाँ एक्सपोर्टर की कंट्री में वाला फैक्टर है तो चार पार्टी हो सकती है, पर वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, नहीं तो जनरली क्या होगी, तीन पार्टी होगी। और इसमें क्या होगी, फॉरफेटिंग में फाइव पार्टीज होगी। फैक्टरिंग है वो दोनों के लिए होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जबकि फॉरफेटिंग केवल इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग में किया होता है। फैक्टरिंग विद और विदाउट रिकॉर्ड्स होता है, फॉरफेटिंग विदाउट रिकॉर्ड्स ही होता है। मतलब फॉरफेटिंग में एक्सपोर्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है। लेटर ऑफ क्रेडिट फैक्टरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि फॉरफेटिंग में वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉरफेटिंग में वो गारंटी भी ले सकता है इंपोर्टर की। फैक्टरिंग है वो में केवल 75% टू 85% ही मिलता है, फॉरफेटिंग में 100% तक इनवॉइस का अमाउंट का पैसा मिल जाता है। फैक्टरिंग में केवल अकाउंट्स रिसीवेबल है, फॉरफेटिंग में क्या हो जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, जो भी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेंगे जो कि एक्सेप्टेड है, तो उसको अवेलिंग भी बोलते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में भी डील किए जा सकते हैं, जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट बोट और सोल्ड किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो फॉरफेटिंग की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। ये इनमें की डिफरेंसेज है, हम लोगों ने इसका बेसिक आइडिया आपको समझाने की कोशिश की है कंसेप्ट के थ्रू। अगर आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।